कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 40 में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो मल्टी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हमने इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का यूज किया था, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता थी वो बढ़ गई थी। साथ ही साथ हमारा जो कंप्यूटर था वो दूसरे प्रोग्राम के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन भी कर रहा था, यानी कि हमारा आउटपुट ऑपरेशन भी हो रहा था और हमारा सीपीयू अपना दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेस भी कर रहा था। तो ये हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसी आइडिया को लेकर हमने अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एक से अधिक सीपीयू का यूज करने का आइडिया निकाला। तो उसके लिए हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक सीपीयू इंस्टॉल कर दिए। तो इस तरह के जो हमने कंप्यूटर बनाए या इस टेक्निक को हमने मल्टी प्रोसेसिंग का नाम दिया। तो ऐसे सिस्टम्स को हमने मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहा। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है कि दो या दो से अधिक सीपीयू को एक साथ या साथ साथ या एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने डिजाइन किया, इस तरीके को हमने मल्टी प्रोसेसिंग कहा। तो कुछ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारे सीपीयू आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं और उनको कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए दी जाती है। यदि उनमें से कोई प्रोसेसर, उनमें से कोई सीपीयू अगर काम करना बंद भी कर देता है तो हमारे दूसरे सीपीयू उस सीपीयू के काम को आपस में बांट लेते हैं और उस काम को पूरा कर देते हैं। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे सीपीयू लगे हुए होते हैं वो अलग अलग तरीके से मेमोरी का यूज करते हैं। कुछ में वो एक ही मेमोरी का यूज कर लेते हैं, कुछ सीपीयू अलग अलग मेमोरी का भी यूज करते हैं और कुछ में वो दोनों ही तरीके से मेमोरी का यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम समझेंगे कि हमारा प्रोसेसर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दो सीपीयू लिए हैं मल्टी प्रोसेसिंग दिखाने के लिए और ये दोनों सीपीयू एक कॉमन मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो भी डाटा है वो मेन मेमोरी से लेंगे। तो जो हमारा इनपुट आउटपुट जो भी डाटा होना है, हमारी जो इनपुट यूनिट मान लीजिए उसने डाटा दिया तो हमारा मेन मेमोरी में गया, कहाँ से? ओके, आईओ प्रोसेसर से। तो आईओ प्रोसेसर में हमने डाटा क्यों लिया? जिससे कि हमारा सिस्टम की जो स्पीड मिसमैच है वो यहाँ पर कंट्रोल करेगा कि डाटा यहाँ से लेगा और उसके बाद में जरूरी डाटा रैम में भेजता रहेगा। तो ये दोनों तरफ एक सा ही फंक्शन होना है। सिर्फ क्या है कि हमारा जो काम है, दो सीपीयू होने की वजह से जो मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वो डाटा को दो सीपीयू को ट्रांसफर कर देगी और उसके बाद में जो प्रोसेस डाटा उसके पास होगा वो मेमोरी में आ जाएगा और मेमोरी से प्रोसेस डाटा को आईओ यूनिट को भेज देंगे। तो ये इसका सिंपल लॉजिक है कि दो प्रोसेसर हम किस तरीके से यूज करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो गए, ये सीपीयू दो से अधिक हो सकते हैं, 4, 6, 8 कितने भी सीपीयू हो सकते हैं। तो जो हमारी रैम है उसको ये सीपीयू अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो अभी सिस्टम है उसमें दो सीपीयू कॉमन रैम को यूज कर रहे हैं, जबकि कोई और कंपनी का जो सिस्टम है वो अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग रैम यूज कर सकता है और उसको वो रैम उन दोनों सीपीयू के लिए अलग अलग अलॉटमेंट रहेगा रैम का, कि इस सीपीयू के लिए अलग रैम, उस सीपीयू के लिए अलग रैम और जो हमारा आउटपुट आएगा वो अलग अलग दोनों यूनिट में चला जाएगा, या एक ही यूनिट में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो एक ही यूनिट में हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो हमारा ये वीडियो है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।